बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि सुबह सवेरे आप लोगों की तमाम चैनल्स की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। जो हमारा EOC है, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, उन्होंने SI ये स्पेशल जो हमारे डेज़ है इन्होंने प्लान किया है। ये 27 से कैंपेन स्टार्ट होगी, 18 डिस्ट्रिक्ट में चलेगी और जो क्वेटा ब्लॉक है उसमें 7 दिन ये कैंपेन चलेगी और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें 5 दिन चलेगी। तो केसेस ज़होल कंट्री में जो खसूसन ये वज़ीरिस्तान साइड पे डिटेक्ट हुए हैं वो लगभग 10 है। बाकी आपकी बात ठीक है, हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया है, कबायली आमायदीन है, इवन जो सरकारी मुलाजमीन है और बाकी इसके अलावा सोशल ये जो हमारी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उन सबको हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। और मीडिया के थ्रू मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर इस कैंपेन में हिस्सा लें, चूँकि ये स्पेशल डेज़ के तौर पर हम मनाते हैं और खसूसन जो रिफ्यूज़ल्स है वो इसमें फोकस होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो हमारा क्वेटा ब्लॉक का टारगेट था वो हम 96% प्लस पहुँचा कर गए, मतलब यूँ समझ ले कि फिक्स 97% है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके अलावा जो रिफ्यूज़ल है वो 5,000 के करीब हम ले हैं। ये इस बार EOC की और हेल्थ डिपार्टमेंट की और पोलियो टीम्स की, PI की, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू। कल की बात है, जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने तमाम सेक्रेटरीज़ को, तमाम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को सर्कुलर किया कि जो सरकारी मुलाजमी रिफ्यूज़ल में इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। और इसके अलावा बाय सम वे अदर ये तमाम रिफ्यूज़ल्स की फैमिलीज़ या फिर रिलेटिव्स में कोई ना कोई सरकारी मुलाजम इन्वॉल्व है। इवन इस पर एक और स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि हम इसको कॉप अप कैसे करें। अगर किसी शहरी पर पेनल्टी लगानी पड़ी या क्रिमिनल कोई केस रजिस्टर करना पड़ा तो उस हद तक भी गवर्नमेंट चली जाएगी। थैंक यू। सर, इस हॉस्पिटल के 25 साल से जो कंटेक्ट मुलाजमी ने मेरे बाल नहीं किया, मेरे प्रोजेक्ट नहीं किया, जरा कोर्ट ने भी अटल जरिए आज हम वैसे पोलियो के सिलसिले में आए हैं इधर, तो मैं तो हॉस्पिटल आता रहता हूँ, कोई 2-3 बार मेरा यहाँ विजिट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन SH जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम रखें ही ना, और अगर आप रखते हैं तो फिर लाजमन उसको परमानेंट करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को लाजमन ये मुलाजिम परमानेंट करने चाहिए, चूँकि इनकी खिदमात है, काफ़ी अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं और अब चूँकि एज के उस स्टेज पर पहुँच चुके हैं कि ये कहीं और मुलाजमत ढूंढ भी नहीं सकते। तो इंशाल्लाह आई विल टेक अप केस विद गवर्नमेंट। अगर समरी की शेप में ये केस इन्होंने सबमिट किया है तो मैं चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट को भिजवाऊँगा। कांगो वायरस, पहले हमारे पास फातिमा जना में एक्सेल होता था, एक सेपरेट वार्ड और एक यूनिट, अब वो यूनिट हमने शेख जायद शिफ्ट किया है। तो हम तैयार हैं इंशाल्लाह जब भी कोई मौजी मर्ज, आपने पिछले दिनों विटनेस किया होगा हरनाई, डेरा बुट्टी, खारान, खुजदार, जहाँ कहीं भी कॉलरा के केसेस हुए हैं हमने टीमें भेजी। बल्कि कल की बात है कि शारक में कॉलरा के केसेस हुए हैं, एक माइन वर्कर की डेथ भी हुई है, तो हमारी टीम वहाँ मौजूद है। इमरजेंसी में अब हमने DG ऑफिस में एक सेपरेट सेल बनाया और 2 मोबाइल हमारे पास डिस्पेंसरीज़ है कि जहाँ कहीं इमरजेंसी होती है हम उसको फ़ौरन मूव करें।